मुकेश अंबानी जी ने जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को स्पिन ऑफ किया था तो उन्होंने छोटी सी ट्वीकिंग करी। क्या किया, कंपनी की बुक्स के अंदर 1.5-2 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिया ताकि आपकी बैलेंस शीट डे वन से स्ट्रांग हो जाए। इतना करने से कंपनी की सोच आप समझिए कि उन्होंने एग्जिस्टिंग अपने एलिफेंट इन द हाउस को एक नए बिजनेस के अंदर खड़ा कर दिया है, जिससे कि कंपनी की वेल कैपिटलाइज बैलेंस शीट होगी। और कंपनी ने अब क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर बड़े बड़े ज्वाइंट वेंचर शुरू कर दिए मार्केट के दिग्गज बिजनेसेस के साथ। कंपनी ने पेमेंट्स बैंक हमारा SBI के साथ शुरू कर दिया, ब्रोकिंग बिजनेस ब्लैक रॉक के साथ शुरू कर दिया, और पीछे का पूरा इकोसिस्टम एंजॉय करने के लिए कंपनी ने अपनी विजन को तैयार कर दिया। कंपनी का ये कहना है कि हम क्यों अपना डे वन से काम शुरू करें जब हमारे पास ज्वाइंट वेंचर से पुराने दिग्गज अपना ब्रेन चाइल्ड लेके अपनी टेक्नोलॉजी और अपना आर्किटेक्चर हमारे पास लेके आएंगे। कंपनी ने इतना सिंपल अप्रोच रख के ये बता दिया कि वो ये नहीं चाहते कि हम डे वन से फिनटेक स्पेस के अंदर अपना काम शुरू करें, और अगर हम लोगों के साथ पार्टनरशिप करके इस काम को बढ़ाएं तो ये काम बहुत जल्दी स्केल अप करेगा। आप ये सोचिए, पेमेंट्स बैंक का बिजनेस SBI के साथ शुरू किया है, SBI इंडिया का बिगेस्ट बैंकिंग सेक्टर का जायंट है, ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर किया है, ब्लैक रॉक वर्ल्ड की बिगेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। दोनों कंपनियों के साथ उन्होंने ज्वाइंट वेंचर सोच के ये बता दिया है कि हमार को राजा बनने के लिए खुद अपनी तैयारी नहीं करनी, हम एग्जिस्टिंग राजाओं के साथ काम करेंगे और अपने बिजनेस को स्केल अप करेंगे। ये मेंटेलिटी सोच के आपको ये देखना पड़ेगा कि आज 2024 के अंदर कंपनी जिन ज्वाइंट वेंचर्स पे काम कर रही है उसके साथ ऑटोमेटिकली इनकी टेक्नोलॉजी भी आ गई, पीछे का आर्किटेक्चर भी आ गया कि इस धंधे को चलाना कैसे है। तीसरी चीज जो वो टेबल पे लेके आए हैं, अपना नेटवर्क। अपने नेटवर्क के साथ ब्रांड वैल्यू जुड़ा के कंपनी ने स्केल अप करना शुरू कर दिया अपना काम, और इसमें हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है कि कंपनी का स्टॉक कहाँ जाएगा। आप बस ये सोचिए, टॉप से 20% की डिक्लाइन पे जब जब आएगा, दिमाग में कोशिश करिए क्वांटिटी इंक्रीज करने का। कैसे, आज एक विजन लगा के आपने सोचा कि यार मेरा दिल कहता है मेरे पास 1000 शेयर इस कंपनी के होने चाहिए। जब भी स्टॉक आपका 20% डिक्लाइन पे आपको दिखाई दे, चुप करके 100 क्वांटिटी ऐड कर लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इतना सा ही अगले 10 साल के टाइम पीरियड में आप कर लोगे, आपको ना शेयर बाजार में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना, इंडिया की 100 कंपनियों के 1000-1000 शेयर खड़े करने हैं। इतना करने से अप्रोच सोचिए, जब भी टॉप से 20% डिक्लाइन है 100 शेयर खड़े कर दो। ये चीज से आपका एक तो कैपिटल क्रिएट हो जाएगा पोर्टफोलियो के अंदर, दूसरी चीज क्या है कि आपके पास वही स्ट्रांग कंपनियां होंगी जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुई है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, कॉल पुट तो बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन एक चीज जरूर करनी है, उन्हीं 100 कंपनियों में पैसा लगाना है जो कि आपको लगता है फ्यूचर में काम आने वाली है। थैंक यू।